नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेटिंग गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बता दूं मेरे भाई कि दोनों के बीच में एक करारे का टक्कर देखने को मिलेगा। ये मैच एक पंटर फ्रेंडली मैच बनेगा मेरे भाई। बता दूं मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा, टाइमिंग 1:30 बजे का होगा। MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जाएगा। बता दूं MCG का ग्राउंड का साइज बहुत बड़ा है। मैच आएगा स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पे लाइव। बता दूं मेरे भाई, मार्केट में हमारे नाम से कई फेक चैनल बन गए हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारा धमाका नंबर 7201050006 को जरूर से जरूर सेव कर लेना और अपना नाम और अपना लिमिट लेके मैसेज कर देना, आपको फ्री ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले जान लीजिए MCG का पिच रिपोर्ट। तो बता दूं पिच जो है वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो हो सकता है इसमें शादाब खान और युजवेंद्र चहल आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते देखने को मिल जाए। और बात करूं तो पेसर्स को काफी अच्छा एडवांटेज है मेरे भाई। लास्ट देखा जाए तो लास्ट जो मैचेज हुए हैं उसमें 28 में से 23 विकेट जो है पेसर्स ने निकाला है मेरे भाई इस वेन्यू पे। अब दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगा वो सेकंड बैट लेगा, और पिच जो है वो बैटिंग बॉलिंग दोनों को ही सपोर्ट करता है और बाउंड्री का साइज बहुत बड़ा है। अभी बात करूं वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो इस वेन्यू पे टोटल 14 मैच खेले गए हैं, जहां 5 मैच जो है मेरे भाई वो डिफेंड हुई है और 9 मैच जो है वो चेज हुई है। एवरेज स्कोर यहां पे 144 का है, हाईएस्ट स्कोर यहां पे 184 जो इंडिया का है, और लोएस्ट स्कोर यहां पे 74/10 है, वो भी इंडिया का ही है। तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज अगर इस पिच पे अगर 150 के आसपास का रन बना देती है कोई भी टीम तो अच्छा टक्कर दे सकती है। लास्ट जो 10 मैच खेले गए हैं मेरे भाई, उसमें पेसर्स ने लिया है 65% विकेट और स्पिनर ने लिया है 35% विकेट। तो लास्ट जो मैच खेले गए हैं यहाँ पे, इसमें 59 विकेट जो है वो पेसर्स ने निकाला है और 31 विकेट स्पिनर्स ने निकाला है। तो देखा जाए तो पेसर्स का जो है वो बोलवाला रहा है इस पिच पे। अभी बात करूँ टीम अपडेट के बारे में, तो कुछ न्यूज जान लीजिए। जैसे जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट को मिस करेंगे, नहीं खेलेंगे। रविंद्र जडेजा भी टूर्नामेंट को मिस कर रहे हैं मेरे भाई। वही मोहम्मद शमी जो है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ जसप्रीत बुमराह आए हैं टीम में, और ऐसा हो सकता है कि DK खेल सकते हैं, दिनेश कार्तिक खेलेंगे ऋषभ पंत के जगह पे। वहीं दोस्तों बात करूँगी तो शान मसूद जो है इंजर्ड हो गए हैं और बाहर हो गए स्क्वाड से, नहीं खेलेंगे। वहीं शहंशाह अफरीदी फुल्ली फिट है और इंजरी से वापस आ चुके हैं और इस मैच को खेलने के लिए तैयार है, और 90% से ज्यादा चांसेज है कि खेलेंगे। वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, तो रेन का चांसेज 21% के आसपास का है, ह्यूमिडिटी 70% के आसपास का है, टेम्परेचर 18 डिग्री का रहेगा। अब रिसेंट फॉर्म में बात की जाए तो इंडिया जो है अपना लास्ट 5 में से 4 मैच विन करके आ रही है, और पाकिस्तान भी अपना लास्ट 5 में से 4 मैच विन करके आ रही है। तो देखा जाए तो दोनों ही करारे का टक्कर देगी। वहीं दोस्तों बात की जाए हेड टू हेड के बारे में, तो दोनों ही की टीम में दोनों टीम के बीच में तो 6 मैच खेले गए, जहां 5 मैच जो है वो इंडिया विन करा है और जो 1 मैच है वो पाकिस्तान विन करा। तो ओवरऑल में इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। अभी बात करें इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में, तो इंडिया के प्लेइंग 11 में आपको मेरे भाई रोहित शर्मा, KL राहुल ओपनिंग करते दिखेंगे, फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली दिखेंगे, सेकंड डाउन पे सूर्या कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी खेलते दिखेंगे, हर्षल पटेल का चांसेस बहुत कम है, मोहम्मद शमी दिखेंगे और अक्षदीप सिंह दिखेंगे मेरे भाई। ऐसा भी हो सकता है कि अक्षदीप सिंह को रेस्ट करके हर्षल पटेल को भी खिला दिया जाए। अब पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान दिखेंगे, बाबर आजम दिखेंगे मेरे भाई, और हैदर अली दिखेंगे, और दिखेंगे आपको फकर जमान और शान मसूद, दोनों में से कोई प्लेयर दिख सकता है, ज्यादा चांस है फकर को चांस मिल सकता है। इफ्तिकार अहमद दिखेंगे, आसिफ अली दिखेंगे और शादाब खान दिखेंगे, और मेरे भाई ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में मोहम्मद नवाज दिखेंगे, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में शहंशाह अफरीदी, नसीम शाह और हरी श्रॉफ दिखेंगे। दोस्तों बात करूँ ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास 3 ऑप्शन है, एक तो मोहम्मद नवाज का ऑप्शन है, एक दिनेश कार्तिक का ऑप्शन है, एक ऋषभ पंत का ऑप्शन है। हम लोग मोहम्मद रिजवान को पिक करेंगे। सबसे पहले बता दो रिजवान को पिक करने का रीजन है कि ओपनिंग आते हैं और बहुत बढ़िया फॉर्म में, 50 रन मार सकते हैं। और DK की बात की जाए पंत की, अगर इंडिया का विकेट्स फॉल होता है तो DK को मुश्किल से मुश्किल 5 बॉल 6 बॉल या 7 बॉल उससे ज्यादा खेलने को नहीं मिलेगा, तो अच्छा पॉइंट ही हमसे नहीं मिल सकता है। बैटिंग डिपार्टमेंट बात की जाए तो बैटिंग में हम लोग इंडिया के सारे टॉप ऑर्डर को लेंगे, यहाँ पे हम लोग रोहित शर्मा को लेंगे, लोकेश राहुल को लेंगे, विराट कोहली को लेंगे और सूर्या कुमार यादव को लेंगे। बैटिंग में बात की जाए तो बाबर आजम को यहाँ पे ले रहा हूँ मेरे भाई, एक ऑप्शन आपको अच्छा दे रहा हूँ यहाँ पे। आसिफ अली को आप ट्राई कर लेना, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं ग्रैंडलिंग में, आप फकर जमाल को ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या को ले रहा हूँ और शादाब खान को ले रहा हूँ। ऑप्शन की बात की जाए तो अक्षर पटेल और मोहम्मद नवाज का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, चाहो तो पिक कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट बात की जाए तो मोहम्मद शहंशाह अफरीदी को ले रहा हूँ, मोहम्मद शमी को ले रहा हूँ और युजवेंद्र चहल को ले रहा हूँ मेरे भाई। अब निकल के आता है कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की शो बनाया जाए। इस मैच में मेरे भाई विराट कोहली को बना रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा से जानते हो कि विराट कोहली जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही रन बनाते हैं, हर मैच में रन बनाते हैं, और मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए इनको यहाँ पे वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। बाकी ऑप्शन अपने हिसाब से चेंज कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर वहाँ क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।